हेलो गाइस, मैं अंकित और आप सभी का मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज हम करने वाले हैं 70,000 रुपीज में एक बेहतरीन सा पीसी बिल्ड, गेमिंग पर्पज के लिए, एडिटिंग पर्पज के लिए, यहाँ तक कि आप 2K में गेमिंग कर सकते हैं, साथ साथ आप 4K तक में एडिटिंग कर सकते हैं। तो मैं ये सब कॉम्पोनेंट लेकर आ गया हूँ। बहुत पहले मैंने एक बहुत ही बजट गेमिंग पीसी का एक बिल्ड बनाया था, लगभग 40 से 50 हज़ार के बीच तक। उसका वीडियो डाल दूंगा, उसको भी जाकर आप जरूर से जरूर चेकआउट करना। तो आने के समय में जो भाई लोग जो 70,000 तक में एक अच्छा गेमिंग पीसी चाहते हैं और बिल्ड करना चाहते हैं, और साथ ही साथ स्ट्रीमिंग करना चाहते हैं, एडिटिंग करना चाहते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग करके उसको बहुत बेहतरीन तरीके से यूट्यूब में डालना चाहते हैं, तो उन सभी के लिए मैं ये बेहतरीन सा पीसी बिल्ड आपके सामने लेकर आ गया। साथ साथ आप पीसी के साथ साथ गेमिंग बेंच टेस्ट भी करेंगे और फ्रेम रेट भी देखेंगे किस प्रकार से फ्रेम रेट आ रहे हैं। बहुत सारे गेम्स हैं मेरे पास, उसको भी टेस्ट करेंगे और देखेंगे किस प्रकार से ये जो पूरा बिल्ड है वो परफॉर्म कर रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं कॉम्पोनेंट लेकर आ गया हूँ। तो सबसे पहले इस बिल्ड में यूज़ किया गया है राइजन 5 3600, और ये आज बहुत ही बेहतरीन प्रोसेसर है। 6 कोर 12 थ्रेड के साथ आता है और मार्केट और अमेजोन में ये लगभग 9 से 10 हज़ार रुपये का आपको मिल जाएगा। ये बहुत ही ज़बरदस्त CPU है आपके लिए। साथ साथ में जो मदर पोर्ट है वो भी बहुत बजट में, बहुत ही जो लोग एडवांस में फ्यूचर अपग्रेड करना चाहते हैं, फ्यूचर प्रूफ रहना चाहते हैं, उनके लिए मैं लेकर आ गया हूँ MSI का B550 B450। भी आप ले सकते हैं अपने बजट के अकॉर्डिंग, उससे थोड़ा सा प्राइस कम हो जाएगा, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा आपको कि B550 आप जरूर से नहीं। इस ये आपका B550 MSI का रूम BTH। इसका एक और मॉडल आता है जो आपका वाईफाई और ब्लूटूथ होता है, एंड उसका प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है, इसका प्राइस थोड़ा सा कम है। ये आपको लगभग 11 से 12 हज़ार रुपये का मिल जाएगा, और इसका जो परफॉर्मेंस है बहुत ही अच्छा है। इसमें 4 RAM स्लॉट होते हैं, जिसे 8 GB करके आप 32 GB तक आराम से अपग्रेड कर सकते हैं अपने रैम को। उसके बाद आता है पावर सप्लाई के लिए कूलिंग मास्टर का 650। ये 650 वॉट का है, और जिस बिल्ड में आप लगा रहे हैं, जिस बिल्ड को मैं यूज़ कर रहा हूँ उसमें आप 550 भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन 650 इसलिए ताकि आप फ्यूचर में अगर ग्राफिक कार्ड को अपग्रेड करते हैं तो उस सिचुएशन में आपको पावर सप्लाई को चेंज करना नहीं पड़ेगा। तो 650 जो वॉट है कूलर मास्टर का ब्रॉन्ज एडिशन है, ब्रॉन्ज 80 प्लस वाला जो एडिशन आता है, ये बहुत ही ज़बरदस्त है। और इसकी प्राइस की बात करूँ तो ऑफलाइन में इसका प्राइस 5,500 रुपये का मिल रहा है। सबसे बेहतरीन और सबसे जो मुख्य हमारा GPU है वो है Inno3D की तरफ से आने वाला 3060 12 GB का। इसमें रे ट्रेसिंग और DLSS का भी सपोर्ट मिलता है, और ये 12 GB के साथ आता है और 3 साल की वारंटी के साथ आता है। इस जो ग्राफिक कार्ड है उससे आराम से 2K में कर सकते हैं गेमिंग और 4K तक में एडिटिंग कर सकते हैं। और मैं आपको इस बात की गारंटी दे रहा हूँ कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। और इसकी प्राइस की बात करूँ तो अभी ये मार्केट में 31,000 रुपीज़ का मिल रहा है, और यदि आप 3060 Ti में जाते हैं तो वो आपको लगभग 41,000 का पड़ेगा। रैम की बात करें तो हमने यूज़ किया हुआ है 8 GB के 2 स्टिक। ये XPG की तरफ से आता है गेमिंग D30 जो 3200 MHz पर क्रॉप्ड है, और इसका जो परफॉर्मेंस है बहुत ही अच्छा है। इसकी कीमत लगभग 2,000 रुपये का आता है, तो आप जब 2 स्टिक लेंगे 16 GB का, तो वो आपको लगभग 4,000 रुपये का पड़ेगा। इसके बाद हम लेंगे एक कीबोर्ड माउस का कॉम्बो, ये वाला एंड ई स्पोर्ट्स की तरफ से आता है KM5450, और ये मुझे ऑफलाइन में 1,200 रुपये का पड़ा। ये RGB के साथ आता है, और इसका जो लुक फील है बहुत ही ज़बरदस्त है, उसका भी मैं स्क्रीनशॉट डाल दूँगा आपको। और आप उन जो कॉम्बो लेना चाहते हैं इनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त। यदि मैं पूरे बिल्ड की बात करूँ तो लगभग ये 69,700 रुपीज़ का जा रहा है। इसमें मॉनिटर इंक्लूड नहीं है, मॉनिटर आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो अब मेन पार्ट जो बहुत सारे लोग इस वीडियो में वेट कर रहे हैं गेम परफॉर्मेंस का, तो गेम परफॉर्मेंस का भी हम देख लेंगे, और उसमें हम 2-3 गेम को आराम से
टेस्ट करेंगे। कैबिनेट की बात करें तो हमने चूज किया है एंड ईस्पोर्ट्स का i310 MT। इसमें सामने में दो RGB फैन लगे हुए हैं और इसके बाजू में एक ग्लास भी आता है जिसे आप अंदर के कंपोनेंट्स को देख सकते हैं। और इसकी कीमत की बात करें तो 3600 रुपए के आसपास का मुझे ये मिला था। सबसे पहले गेम हमने फोर्टनाइट टेस्ट किया। फोर्टनाइट में लगभग 132 मैक्स आपको फ्रेम रेट मिलेगा और लो में 100 के आसपास जा रहा था। चूंकि मैं इसको रिकॉर्ड भी कर रहा था इसलिए थोड़े फ्रेम रेट कम आ रहे हैं। जब आप उसको बिना रिकॉर्डिंग के, बिना OBS के जब आप देखोगे तो उसमें आपको फ्रेम रेट आपको ज़्यादा मिलेगा। सेकंड गेम हमने GTA 5 को टेस्ट किया। इसमें हमने सब मैक्स रखा था, 1080 पिक्सल पर हमने टेस्ट किया और इसमें हमको 60 FPS मैक्स मिल रहा था। चूंकि मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा था क्योंकि उसके कारण से 60 FPS और जब मैं बिना रिकॉर्डिंग के जब मैं इसको देख रहा था तो उसमें मुझे ज़्यादा FPS मिल रहे थे। तो इस बात का आप ध्यान रखना कि जब आप रिकॉर्डिंग करेंगे तो शायद आपके थोड़े से FPS डाउन होंगे क्योंकि आप उसमें स्ट्रीमिंग और रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, और जब आप बिना रिकॉर्डिंग और बिना स्ट्रीमिंग खेलेंगे तो आपको ज़्यादा FPS मिलेगा। थर्ड गेम हमने Apex Legend को टेस्ट किया। इसमें हमको कॉन्स्टेंट 60 FPS मिल रहे थे और गेम का जो परफॉर्मेंस था ज़बरदस्त था, मज़ा आ रहा था खेलने में। तो आप आँख मूंद करके इस गेम को 60 FPS के से ज़्यादा आप इस यूजेस कर सकते हैं। ये छोटा सा बिल्ड, पीसी बिल्ड कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और हमारी मेहनत पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और 1000 का जो एम हमारा उसको कंप्लीट करा दीजिए। तो मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।